सवालात का सिलसिला शुरू करें। एक नजर डालेंगे उस पृष्ठभूमि पर जिसमें आज का ये खास मुकदमा चला जा रहा है चुनाव मंच पर। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस बार खुद चुनावी मैदान में हैं। अमित शाह लाल कृष्ण आडवाणी की सीट गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। अमित शाह को चुनावी गणित का चाणक्य माना जाता है। उनके पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी। देश के 16 राज्यों में बीजेपी और इसके सहयोगियों की सरकार बनी, लेकिन इस बार अमित शाह के कंधों पर दोबारा केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनवाने की बड़ी जिम्मेदारी है। 2014 में उत्तर प्रदेश ने 73 सीटों के साथ बीजेपी की राह आसान की थी। अब वही उत्तर प्रदेश अमित शाह के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है। बीजेपी को रोकने के लिए मायावती और अखिलेश यादव ने महागठबंधन बना लिया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में भी कांग्रेस पहले से भी मजबूत हो गई है। ऐसे में क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी 2014 का करिश्मा दोहरा पाएगी? अमित शाह से जानेंगे उनके पास 2019 जीतने का क्या है प्लान। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का यह खास मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह पर। आपकी अदालत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर आरोप है कि इन्होंने वैज्ञानिकों के काम का फायदा उठाया। अमित जी, प्रधानमंत्री ने ऐलान किया ऐतिहासिक सफलता भारत ने अंतरिक्ष में प्राप्त की। देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को वेरी हैप्पी वर्ल्ड थिएटर डे कहा है। उन्होंने कहा ये सब नाटक है, ड्रामा है। देखिए, जब ये उपलब्धि पर अंतरिक्ष की दुनिया में हिंदुस्तान को महासत्ता बनने की उपलब्धि पर पूरा देश गर्व कर रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है कुछ लोग इसको नाटक बना रहे हैं। आप भी कह रहे हैं कि भाई, मैंने टाइटल देखा, साइंटिस्टों की उपलब्धि को प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की। मुझे एक बात बताइए रजत जी, इतनी लंबी करियर में आपने कभी विपक्ष के नेता को घोषणा करते हुए देखा है क्या? कभी नहीं करते जी। प्रधानमंत्री जो होते हैं वही करते हैं, क्योंकि वही सत्ता का संचालन करते हैं, वही निर्णय लेते हैं। इनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति के आधार पर ही एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, इनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति के आधार पर ही योजनाएं बनती है, फैसले लिए जाते हैं, फैसलों का क्रियान्वयन होता है और वो क्रियान्वयन के आधार पर ही सफलता और निष्फलता निर्भर होती है। अभी शायद इसरो के पूर्व अध्यक्ष का स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि ये 10 साल पहले हो सकता था, मगर नहीं हो पाया। इसलिए नहीं हो पाया कि राजकीय नेतृत्व में दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था। आज मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री में राजनीतिक फैसले लेने की ताकत है और इसके कारण है आज महासत्ता। शिकायत ममता बनर्जी की ये है कि ये अनाउंसमेंट, ये ऐलान प्रधानमंत्री ने क्यों किया? उन्होंने कहा क्या वो साइंटिस्ट हैं, क्या वो स्पेस में गए थे? ममता जी ने भी कई ऐलान करे, मानो रोड बनाने का कहा तो थोड़ी ना दिहाड़ी की दी होगी। मजदूरी कोई और करता है, ठेकेदार कोई और होगा, इंजीनियर कोई और होगा। देखिए रजत जी, ये सबको भी मालूम है, मगर उनकी दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी की। ये मेरी दिक्कत नहीं हो सकती, मेरी पार्टी की दिक्कत नहीं हो सकती। मेरे पास ऐसा एक नेतृत्व है, मेरी पार्टी के पास एक ऐसा नेतृत्व है जिसके पास हर सवाल का जवाब है और उनके हर सवाल के जवाब भी इनके पास। मायावती जी की शिकायत है कि चुनाव का मौका है, ऐसे में अगर ऐसी घोषणा करेंगे प्रधानमंत्री जी टीवी पे आके तो उनको राजनीतिक फायदा होगा। देखिए, इसमें समय हम तय नहीं कर सकते। जिनको प्रक्रिया मालूम नहीं है उनको मैं बताना चाहता हूं कि जब इस प्रकार के टेस्टिंग करने होते हैं तब दुनिया के सारे देशों से एक समय निश्चित होता है, क्योंकि स्पेस के अंदर कोई टकराव ना हो, स्पेस के अंदर एक क्लियर पैसेज मिले, सारे देशों के बीच में एक इसका काम करने के तरीके बने हैं, नियम बने हैं, कानून बने हैं, और ये 3 महीने पहले समय लेने की प्रक्रिया होती है। वो समय हम अकेले तय नहीं कर सकते, भारत के वैज्ञानिक अकेले तय नहीं कर सकते,
स्पेस के अंदर जिस जिस देश की उपस्थिति है वो सारे देशों ने तय कर कर एक सेफ पेस देने रास्ता देना पड़ता है, और वो 3 महीना पहले हुई थी, उस वक्त चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी। मगर वो आप के माध्यम से मैं सारे विपक्ष वालों को कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, 19 के काउंटिंग के बाद भी हमें ही काम करना है, ऐसे ढेर सारे काम हम करते रहेंगे, आपको इतना जी जलाने की जरूरत नहीं है आज हुआ या काउंटिंग के बाद। हर एक की अलग अलग परेशानी है। अखिलेश यादव की परेशानी यह है कि 1 घंटे तक अनाउंसमेंट की टीवी के सामने बैठे रहे और कयास लगाते रहे, अंदाजे लगाते रहे, आज मोदी जी न जाने क्या कर देंगे। इसमें परेशानी हो तो आपको हो सकती है, आपका एडवर्टाइज चला गया। अखिलेश जी को क्या परेशानी हो सकती है, मैं नहीं समझ सकता। प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी बुलाया था, इसकी मीटिंग थोड़ी लंबी चली तो 10 मिनट ज्यादा देर लग गई, मैं नहीं मानता इसमें कोई बड़ी आपत्ति। लेकिन लोगों ने मजा लिया, सोशल मीडिया पर बहुत देर तक चलता रहा कि मोदी जी का कोई राष्ट्र के नाम संदेश आने वाला है, तो क्या एटीएम की तरफ भागे या बंकर की तरफ भागे? किसी को कहां भागने की जरूरत नहीं है, भारत विकास के रास्ते पर तेज गति से दौड़ रहा है और उसी रास्ते पर भारत अब चलने वाला है। कांग्रेस पार्टी का दावा यह है कि जो कुछ हुआ वो जवाहरलाल नेहरू की नीतियों का, इंदिरा गांधी के क्रियान्वयन का तरीका है, और ये तो कांग्रेस पार्टी कई बार ऐसा कर चुकी है, इसमें क्या बड़ी बात है। चलिए अब उनको तो परिवार के अलावे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, वो मानते हैं कि एक परिवार के 4 लोगों ने ही पूरे देश को बनाया है। अब जो सवाल उठा रहे कि वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को मोदी जी भुना रहे हैं, तो जवाहरलाल जी वैज्ञानिक थे क्या? वो भी उन्होंने जरा सोचना चाहिए। जब आप सवाल करते हो तब किसी के और उंगली करते हो तो 4 उंगली अपने और होती है, वो हर एक ने याद कर। लेकिन ये बात तो सही है कि 2012 में इसका प्लान तैयार था, इम्प्लीमेंटेशन करते करते थोड़ी देर हो गई। देखिए मैंने कहा रजत जी, इम्प्लीमेंटेशन के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, प्रायोरिटी चाहिए और प्रायोरिटी तय करने की सूझबूझ चाहिए। मैं मानता हूं कि यूपीए के नेतृत्व में नहीं था, मोदी जी कठोर फैसले लेते हैं, हिम्मत वाले फैसले लेते हैं, हिम्मत वाले फैसलों को अंजाम तक ले जाने का मोदी जी में मादा है, इसी के कारण ये परिणाम आते हैं। लेकिन शिकायत तो इलेक्शन कमीशन को की गई है कि चुनाव के वक्त पर ऐसा फैसला, और क्योंकि मोदी जी खुद चुनाव भी लड़ रहे हैं। देखिए ये फैसला लोक लुभावन योजना घोषित करने का फैसला नहीं, ये फैसला ऐसा नहीं है जिससे मतों को खुश किया जा सके, प्रभावित किया जा सके। चुनाव आयोग के पास शिकायत गई, चुनाव आयोग इस पर निर्णय करेंगे, हम भी निर्णय का इंतजार करेंगे। आपको लग रहा है कि लोक लुभावन फैसला नहीं, लेकिन कांग्रेस को आता नहीं लगा, उन्हें कह रहे हैं कि बीजेपी का धरातल खिसक रहा था, बीजेपी से दलित नाराज हैं, किसान नाराज हैं, इसलिए सारी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया। देखिए रजत जी, इनके हाय तोबा को देखकर मुझे लगता है पूरी दुनिया जानती है धरातल किसका खिसक गया है। एयर स्ट्राइक के बाद विपक्ष के चेहरों का नूर खत्म हो गया है, मुझे नहीं लगता कि किस बात का गम है उनको। आपने एयर स्ट्राइक का जिक्र किया, इसको लेकर के बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं, इल्जाम मेरे पास में हैं। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अमित शाह पर इल्जाम और सवाल का एक और। हम तीनों का है ना, सबको साथ में होता है। हमारा पहला 4G भी साथ में।
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर आरोप है कि इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति की। जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक हुई उसके बाद सबसे पहला आरोप आप पर लगा कि आपने कहा कि 250 आतंकवादी मारे गए और पूछा कि ये फिगर कहां से लाए अमित शाह। ढेर सारे मीडिया रिपोर्ट में आए, मैं नहीं मानता किसी ने मीडिया रिपोर्ट नहीं देखे होंगे, ढेर सारे मीडिया रिपोर्ट में आए। अब फिर भी फिगर को मुद्दा बनाना है तो बना सकते। मेरे हिसाब से मुद्दा यह है कि आजादी के बाद पहली बार, पहले सर्जिकल स्ट्राइक और बाद में एयर स्ट्राइक के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को ये दिखाने का साहस किया है कि हिंदुस्तान को कोई हल्के से नहीं ले सकता। हमारी सुरक्षा के साथ, हमारी सीमाओं के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। हमारे देश के जवानों की शहीदगी को, हमारे देश के जवानों के खून को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और अमेरिका और इजराइल के बाद आज भारत एक तीसरा देश बना है जिसमें दम है कि जो भारत की सीमाओं की सम्मान नहीं करता उसके घर में घुसकर उसको सबक सिखाने का अगर किसी में हिम्मत है तो वो भारत में। अमित जी, ममता बनर्जी ने न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ा, वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ा और लोगों से कहा कि उन अखबारों में लिखा है कि कोई नहीं मारा गया, वो तो सिर्फ पेड़ पर बम गिरा के आ गए। अगर वो इतने दूर क्यों जाती है, बंगाली अखबार क्यों नहीं पढ़ती है, मेरी समझ में नहीं आता है। न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ने चली जाती है, वॉशिंगटन टाइम्स पढ़ने। इस देश में 22 भाषाएं बोली जाती है, पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, कहीं पर नहीं पढ़ती, सीधा न्यूयॉर्क टाइम्स चली जाती है। किस पर भरोसा करते हैं लोग। और कपिल सिब्बल तो कह रहे थे कि आतंकवादियों के शव देखना चाहती है देश की जनता, तो उनको वहां जाना चाहिए। बालाकोट जाएंगे तो दिखाई पड़ेंगे, वीजा की व्यवस्था कोई कर ही देगा इनको जाना है। जनरल वीके सिंह ने तो कहा था कि अगली बार जब मोदी जी स्ट्राइक के लिए प्लेन भेजें तो इनको एक दो लोग उसके साथ बांध के भेज दें। चलिए, अब जैसा सवाल होता है ऐसे जवाब आते रहते हैं। सच्ची बात तो यह है कि सारे विरोधी दलों ने सभा की, मीटिंग की और उस मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस एयर स्ट्राइक को भुनाने की कोशिश की, राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की। देखिए, राजनीतिक लाभ का मुद्दा नहीं है रजत जी। क्या आप मानते हैं इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं नाते कि देश की सुरक्षा चुनाव का मुद्दा नहीं हो सकता? मेरा मानना है कि देश की सुरक्षा चुनाव का प्रमुख मुद्दा होना चाहिए, महत्वपूर्ण मुद्दा। क्यों भागना चाहते हैं देश की सुरक्षा के मुद्दे से? क्यों भागना चाहते हैं? 125 करोड़ लोग तय करना चाहते हैं कि देश को कौन सुरक्षित रख सकता है। 10 साल तक आपकी सरकार थी, सीरीज कितने सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए, 26/11 का हमला हुआ, आपने कुछ नहीं करा और इसीलिए आपको हटाया गया। क्या अपेक्षा करते आप नरेंद्र मोदी जी से? आपकी तरह मौन बैठे रहे? ये नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए है। जो जैसा सवाल करेगा उसको ऐसा जवाब सुनिश्चित रूप से मिलेगा। सबसे खराब आर्गुमेंट मैं कहूंगा रामगोपाल यादव ने दिया। उन्होंने कहा कि पुलवामा में जो हुआ वो एक साजिश थी, हमारे जवानों को मरवाया वोट की खातिर। चाहे रामगोपाल जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मनीष तिवारी हो, चाहे राहुल गांधी जी के गुरु सैम पित्रोड़ा, ये सारे अपनी वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। मुझे बड़ा दुख है रजत जी, वोट बैंक के कंसोलिडेशन के लिए वो देश के हितों को दरकिनार कर रहे हैं। उनके स्टेटमेंट और पाकिस्तान के नेताओं के स्टेटमेंट दोनों को मिलान कर दीजिए, आपको कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सिर्फ नाम का ही अंतर मालूम पड़ेगा। ये क्या साम्यता है, किस प्रकार की साम्यता है? और पूरे देश में फटाके जल रहे, पूरा देश आज एक आत्मविश्वास का अनुभव कर रहा है, पूरा देश उत्साह का अनुभव कर रहा है। शहीदों के घर पे जो मातम था उनके दुखी हृदयों को सुकून मिला है और आपको दुख हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको लगता है कि इससे उनका चुनाव प्रभावित होने वाला है। मगर मैं बताना चाहता हूं रजत जी, आज जो सवाल उठा रहे हैं उन्हीं लोगों ने
बांग्लादेश की लड़ाई को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। थोड़ा पीछे जाकर रिवाइंड कर कैसेट को देख ले, और कांग्रेस अध्यक्ष ने तो खास खास देखना चाहिए क्योंकि उनका परिवार का मामला है। जनता में से सवाल है मेरे पास से, स्वाति उपाध्याय का सवाल है। स्वाति उपाध्याय कहाँ पर है आप यहाँ? सर मेरा सवाल ये है कि बालकोट में जो एयर स्ट्राइक हुई है, तो क्या आपको लगता है कि ये आने वाले चुनावों में बीजेपी के लिए फायदेमंद रहेगी, और क्या इसके चलते बीजेपी इन चुनाव में 400 से पार सीटें जीत पाएंगी? देखिए, एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक, हमारे लिए मतों का मुद्दा नहीं है, हमारे लिए देश की सुरक्षा का मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, जब से हमारी सरकार बनी है, देश की सुरक्षा के प्रति सजग है और फर्म है। ये हमारा दृढ़ मानना है कि देश की सुरक्षा में कोई गोताही नहीं होनी चाहिए। उसका आउटकम क्या मिलेगा वो जनता को तय करना है, परंतु ये हमारी नीति है। मोदी जी के किसी भी भाषण को उठाकर देख लीजिए, आतंकवाद को डील करने के बारे में कभी भी ना बातों में ना एक्शन में उन्होंने नरमी का अनुभव कराया है। और जब सामने से हमला होता है तो समय तय करने का काम हम नहीं कर सकते। आतंकवादी जब हमला करते तभी उनको जवाब देना पड़ेगा, चुनाव है या नहीं है वो नहीं दे सकते। और मुझे बताइए, पहले सर्जिकल स्ट्राइक में भी हमने जवाब दिया, कहां चुनाव थे? कोई चुनाव नहीं थे। सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी समय गवाए बगैर उड़ी की घटना होने के 15वें दिन हमने घर में घुस कर मारा। विपक्ष को आदत है हर मुद्दे को राजनीति के साथ जोड़ने की, मगर मैं मानता हूं कि चुनाव के लिए अहम मुद्दा है ही देश की सुरक्षा, चुनाव के अहम मुद्दे में होना चाहिए। देश की जनता के लिए भी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए। विपक्ष ने एक और सवाल उठाया, प्रधानमंत्री मोदी ने इमरान खान को पाकिस्तान के नेशनल डे पर चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा कि लव लेटर तो लिखा लेकिन उसमें आतंकवाद का जिक्र करना भूल गए, उसमें मसूद अजहर का जिक्र करना भूल गए। आतंकवाद का जिक्र एयर स्ट्राइक कर ही दिया हमने, मगर जब दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में राष्ट्र की स्थापना के दिन शुभकामना के संदेश का लेने और लेन देन का काम होता है तब कटुता नहीं की जाती है। और ये मोदी जी की कूटनीतिक सफलता ही है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा रहा, पूरे विश्व के अंदर पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है। आज पूरे विश्व ने स्वीकारा है कि भारत के अंदर जो आतंकवाद फैला है, भारत के अंदर जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है उसकी जड़ें पाकिस्तान में। कांग्रेस पार्टी इतने साल तक विश्व को यह स्वीकार कराने में असफल रही थी। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 ही साल में अपनी कूटनीतिक सफलता के कारण ये सिद्ध कर दिया है कि हमारे यहां आतंकवाद सरहद के उस पार से आता है और पाकिस्तान इसका जनक है, और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं करना चाहिए। और मुझे आनंद है इस विषय पर, एयर स्ट्राइक करी पाकिस्तान की सीमा के अंदर, एयर स्ट्राइक करी पाक ऑक्यूपाई कश्मीर के अंदर नहीं, पाकिस्तान की सीमा के अंदर बालाकोट आते वहां पर एयर स्ट्राइक करी, फिर भी पूरी दुनिया ने भारत के स्टैंड का समर्थन किया है, भारत के कदम को आवकार दिया है, क्योंकि ये हमारे आत्मरक्षा का अधिकार है। आपकी सीमाओं के अंदर आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप लगाओ, उनको यहां आने के लिए आपकी फौजें उनको रास्ता बना कर दे, उसके आने की व्यवस्था करें, और हमारे जवान और हमारे नागरिक मरते रहे, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारी आत्मरक्षा का अधिकार है और ये अधिकार का भारत ने प्रयोग किया जिसको दुनिया ने स्वीकार किया। इमरान खान तो डरे हुए हैं, उन्होंने कहा कि जब तक भारत में चुनाव है तब तक अलर्ट रहना पड़ेगा, कभी भी फिर से हमला हो सकता है। भारत ने कभी भी हमला करने की पहल नहीं करी है, जब हमला वहां से होता है गोली वहां से चलती है, हमने गोला चलाकर जवाब दिया है, ईंट का जवाब पत्थर। हमले की शुरुआत हमने कभी नहीं की रही, ये भारत का इतिहास नहीं है, ना होना चाहिए, परंतु जब आप हमला करते हो तो जवाब की तैयारी रखनी चाहिए। हमें जी अच्छी बात है कि आपने कहा कि इसका राजनीति पर असर होगा, ये इशू होगा इलेक्शन के अंदर, आपने बड़ी बेबाकी साफ नहीं, जनता ने बनाया हुआ, और मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी भी मानती है कि देश की सुरक्षा एक देश के चुनाव में अहम इशू होना चाहिए। तो एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं, और ब्रेक के बाद आपके हालात में अमित शाह पर इल्जाम और सवाल आपका एक और।
आपकी अदालत में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मेरे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और आपकी अदालत में अगला हिस्सा। की अदालत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर इल्जाम है कि इनकी पार्टी चुनाव से डरी हुई है। उन्होंने कहा कि जब से मैंने घोषणा की है कि भारत की जनता को जो गरीब लोग हैं उनको 72,000 रुपए दिए जाएंगे इस साल के, तब से बीजेपी के सारे नेता डर गए हैं। अमित शाह भी डर गए हैं, नरेंद्र मोदी भी डर गए। आपके बोलते ही सारा सदन हंसने लगा। ये वास्तविकता है। रजत जी, मैं कांग्रेस पार्टी की स्पीड को देश को समझाना चाहता हूं। श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हम गरीबी हटाएंगे, श्रीमती गांधी ने नारा दिया चुनाव में हम गरीबी हटाएंगे, राजीव जी ने भी नारा दिया गरीबी हटाएंगे, सोनिया जी ने भी नारा दिया हम गरीबी को हटाएंगे, अब राहुल जी भी नारा दे रहे हम गरीबी को हटाएंगे। तो 5 पीढ़ी से वो एक काम को कर रहे, कर नहीं पाए। 2014 में जब हम सत्ता में आए, इस देश के लगभग 9 करोड़ गरीब लोगों के पास गैस नहीं था, 2.5 करोड़ गरीब लोगों के घर में बिजली नहीं थी, 10 करोड़ गरीब लोगों के पास घर नहीं था, 9 करोड़ गरीब लोगों के पास शौचालय नहीं था, और टीका लगाना, इनकी स्वास्थ्य की सुरक्षा करना, ये सारी चीजों की कोई व्यवस्था 70 साल के अंदर से 55 साल कांग्रेस के गांधी नेहरू परिवार ने जो शासन किया इसके अंदर नहीं हुई थी। ये इनकी स्पीड है काम करने की, और उनके कारण ही हमें सौभाग्य मिला कि गरीबों का जीवन स्तर ऊपर आए। मैंने उनकी स्पीड आपको बताई, उनकी स्पीड आपको बताई, अब मैं भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार की स्पीड बताना चाहता हूं। देश का प्रधानमंत्री कैसे काम करता है वो स्पीड बताना चाहता हूं। 5 ही साल के अंदर 7 करोड़ गरीब महिलाओं के घर में फ्री ऑफ कॉस्ट गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया है। 2.5 करोड़ गरीबों को घर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया है। 2.35 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया। 8 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया है। देश के 50 करोड़ गरीबों के लिए 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा, टेस्टिंग, हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए हॉस्पिटलाइजेशन, दवाइयां, ये सारा खर्चा 5 लाख तक का आज नरेंद्र मोदी सरकार उठाती है। उसको स्वास्थ्य की पूरी चिंता से मुक्त करने का काम 50 करोड़ लोगों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 13 करोड़ किसानों के मोबाइल पर, बैंक में भी नहीं, मोबाइल पर सीधा 6,000 रुपया उसको इनपुट के लिए सपोर्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया। अब देश की जनता ने तय करना है, 5 पीढ़ी से जो काम कर रहे गरीबी हटाने का, वो जो देश हमें देकर गए थे ऐसा देकर गए थे, और मोदी जी ने सिर्फ 5 साल के अंदर देश के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन किया है, देश को किस पर भरोसा है? देश को भरोसा इन पर होता है जो काम करते हैं, भरोसा उन पर नहीं होता है रजत जी जो नारे देते हैं। मैं आपको बताता हूं, अभी चुनाव था राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंदर किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा की। जरा आप किसी भी किसान को मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में फोन कर देखिए क्या हालत है। शिवराज जी यहां बैठे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर जहां जाते हैं किसान उनको पकड़ते हैं कि गलती हो गई हमारी। किसी भी किसान का, मतलब 10% से ज्यादा किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। ये स्थिति है नारों की, 10 दिन में हम कर्जा माफ कर देंगे, क्या हुआ भाई? किसान पूछ रहा है, जो योजना हमारी सरकारों ने की थी वो भी आपने बंद कर दी, और 6,000 रुपया मोदी जी जो इनपुट सपोर्ट देना चाहते हैं, कांग्रेस की सारी सरकार डेटा नहीं भेज रही है। उनको डर है कि मोदी पॉपुलर हो जाएंगे, मुझे डर नहीं है, उनको डर है, मुझे डरने का सवाल ही नहीं है।
इस प्रकार के वादों पर, विशेषकर कांग्रेस के वादों पर, देश की जनता कतई भरोसा नहीं करती है, कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खूबसूरत है कि किसी के भरोसा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन राहुल जी को बहुत भरोसा है, उन्होंने तो एक पब्लिक मीटिंग बड़े नाटकीय अंदाज में कहा, मोदी जी का चेहरा देखा, जब से मैं घोषणा की है चेहरा उदास हो गया, उतर गया चेहरा। उन्होंने शायद नहीं देखा है, मोदी जी विश्वास से लबोलब आत्मविश्वास के साथ देश की जनता को हमारे 5 साल के किए हुए काम, पल पल और पाई पाई का हिसाब लाखों लाखों की जननी मेदनी के सामने दे रहे हैं, पूरा मीडिया दिखा रहा है, कहीं उत्साह की कोई कमी नहीं। मोदी जी छोड़िए, मेरा बूथ का कार्यकर्ता जिस विश्वास के साथ लवरेज होकर देश की जनता के सामने सीना तान कर गौरव के साथ जाने के लिए तैयार है। रजत जी, हमने 5 साल के अंदर कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरे कार्यकर्ता को सर नीचा कर जाना पड़े। गौरव के साथ, विनम्रता के साथ फिर से एक बार 5 साल देश की जनता की सेवा करने के आत्मविश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता आज जनता के सामने चुनाव में। कांग्रेस के अध्यक्ष जनता के सामने गिनाते हैं, वो कहते हैं मोदी जी ने 15 अमीर लोगों का 3.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया और किसानों का कर्जा माफ। मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से उनको चैलेंज देना चाहता हूं कि एक भी व्यक्ति का कर्जा माफ दिया हो तो रिकॉर्ड क्लियर करें। झूठ बोलना, जोर से बोलना, बार बार बोलना और आपको फेस न करना, यही उनकी आदत। लेकिन एक देश की जनता को उनको पूछना चाहिए, कभी मिल जाए तो, ऑर्केस्ट्रेट कार्यक्रम नहीं, सच्चे संवाद में कहीं मिल जाए तो उनको पूछना चाहिए, भला किसका माफ किया, कब माफ किया, जरा लाओ तो। और माफ करते तो ये सारे क्यों भागते? हमने माफ नहीं किया उनको जेल में डालने के लिए, इनके पीछे पड़े इसलिए देश छोड़कर भागने की बात आई। वो तो कह रहे कि अब नीरव मोदी, विजय मल्या सबको लाया जा रहा है क्योंकि इलेक्शन का मौका है, सबको यहाँ पेश कर दिया जाएगा। इलेक्शन का मौका हो ना हो, सबको आना ही पड़ेगा। हमने कानून के अंदर इस प्रकार के बदलाव करे हैं कि सबको आना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय असर हो, अंतर्राष्ट्रीय कानून पर ओवरलैप करे, मतलब हमारे कानून राइड हो जाए, इस प्रकार के कानून बनाने में भारत की संसद को सफलता मिली। और मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, उनको कोई नीरव मोदी या माल्या आ जाए उसका डर नहीं, मिशेल मामा आए उसका डर है। आप कह रहे हैं कि वो कोई नाम बता दे, एक नाम वो बार बार बताते हैं, हर पब्लिक मीटिंग में बताते हैं, अनिल अंबानी की जेब में मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपए डाल दिए। देखिए रजत जी, उनको पूछना चाहिए कि 30,000 करोड़ रुपया किस ठेके के तहत डाला है, जरा पूछ लीजिए आप उनको कभी। अदृश्य है, ना कोई ऐसा सौदा है, ना कोई ऐसा ठेका है, ना कोई काम किया है, ना अनिल अंबानी की एक पैसे की लोन माफ की है, सारा पैसा वो अपनी प्रॉपर्टी बेच बेच कर भर रहे हैं। आपके जमाने में नहीं भरने पड़ते थे, हमारे जमाने में भरने पड़ रहे हैं, और अच्छा है। मैं तो मानता हूं कि बैंकों का पैसा वापिस देने की एक नई प्रक्रिया शुरू। राहुल जी बार बार चीख चीख कर कहते हैं कि मोदी जी ने राफेल डील की मार्फत अपने दोस्त अनिल अंबानी की जेब में 350,000 करोड़ रुपये डाल दिए और अंबानी जी फिर भी जो है 450 करोड़ रुपये का लोन ले रहे हैं, ऐसा क्यों? कहाँ लोन लिया भाई, लोन भर रहे। उनका कहना है कि अपने भाई से पैसा लेकर चुकाया, तो उसके भाई से पैसा लेकर बैंक का पैसा चुकाया है, अच्छा है या बुरा है, इसमें इनको क्या आपत्ति है? वो बार बार चिल्ला गया तो उसका गया, भाई का गया, आपको क्यों दुख हो रहा है? उनका सवाल ये कि अगर 30,000 करोड़ रुपए होते तो 450 करोड़ नहीं लेने पड़ते ना? कोई सवाल ही नहीं है। देखिए इन्होंने आरोप लगाया, उसका फैसला वो कर सकते हैं क्या? देश की सर्वोच्च अदालत कर सकती है, देश में कैग नाम की संस्था है जो निटल ऑडिट करती है वो कर सकती है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कह दिया इस सौदे से किसी को बेवजह फायदा नहीं हुआ है, इसमें कोई घपला नहीं है, इसलिए इसकी जांच करने की जरूरत नहीं। अब सर्वोच्च अदालत के फैसले को भी आप नहीं मानोगे और बोलते जाओगे और अपनी काकासी स्वर्ग के अंदर मानोगे कि ये मुद्दा है, तो आपका मुद्दा आपको मुबारक भैया, देश की जनता के लिए मुद्दा नहीं है। इस प्रकार के आरोप उनको चिपकते हैं जिनकी पार्टी और जिस व्यक्ति का भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड होता है, आप पर चिपक सकते हैं, कांग्रेस पार्टी पर चिपक सकते हैं, क्योंकि जीप से लेकर
2G तक सारे स्कैम आपके शासन में हुए, मोदी जी पर इस प्रकार के आरोप नहीं चिपक सकते। मोदी जी का जीवन पारदर्शी जीवन रहा है, देश की जनता के सामने खुली किताब जैसा जीवन रहा है। आप कितना भी कह ले, लेकिन राहुल जी का है ना एक पुरानी फिल्म का नाम है दिल है के मानता नहीं, वो हर मीटिंग में नारा लगवाते हैं चौकीदार चोर है। देखिए आज देश के करोड़ों लोग अपनी पहचान के सामने चौकीदार लिख रहे हैं, वो इसके सामने जनता का प्रोटेस्ट, और हम तो उस मैदान में भी उनके सामने लड़ने के लिए तैयार हैं। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और देश की करोड़ों जनता ने अपने नाम के सामने एक प्रामाणिक व्यक्ति पर गलत आरोप लगाने के विरोध में प्रोटेस्ट में चौकीदार लगाया है। और नरेंद्र मोदी जी ने कंसेप्ट रखा है, जो भी हो, जिस क्षेत्र में काम करता हो वो चौकीदार लगा दे। मैं तो रजत जी को भी कहता हूँ आप भी लगा दो पत्रकारिता के धर्म की चौकीदारी करिए। यूपी के अंदर बुआ और बबुआ दोनों इकट्ठे होने से क्या आपको इसका भुगतना पड़ेगा इसका नतीजा? देखिए जब परफॉर्मेंस के आधार पर पॉलिटिक्स होती है तो जो पॉलिटिक्स की पुरानी सोच है अब देश की जनता ने बदलनी पड़ेगी। नेता वोटों को अपने परिवार की पूंजी मानकर चलेंगे, जमाने लद गए। देश की जनता किसी परिवार की पूंजी नहीं है, देश का मतदाता स्वतः निर्णय करता है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने निर्णय किया है, परिणाम आए तब देख लेना। मैं रजत जी को भी कहता हूं 1 बजे फोन करना, उत्तर प्रदेश के अंदर 73 की 74 सीटें होगी, 72 नहीं हो सकती। आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में आज भी जात पात के नाम पर वोट दिए जाते हैं? देखिए रजत जी, जात पात के नाम पर अगर वोट दिए जाते होते तो 2017 के विधानसभा चुनाव में हमने तो कोई चेहरा ही नहीं रखा था, हमारा मुख्यमंत्री का कोई चेहरा ही नहीं था, कोई जात पात नहीं थी। हम तो हमारा एजेंडा लेकर गए थे, मोदी जी का काम लेकर गए थे। और उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद सबसे बड़े बहुमत वाली सरकार हमने बनाई है। परिवारवाद, जात पात, तुष्टिकरण, इस सारी चीजों को अब दरकिनार कर देश की पॉलिटिक्स साफ सुथरी हो रही है, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है, परफॉर्मेंस के रास्ते पर बढ़ रही है। और मोदी सरकार ने जो परफॉर्मेंस किया है उससे देश की जनता खुश है, देश की जनता इसके समर्थन में खड़ी है। मैं आज ही, मोदी जी ने प्रचार शुरू किया है, मैंने विजुअल देखे, अभी मैं भी प्रचार में था, यहाँ आकर ही देखे, लाखों लाखों की भीड़ मोदी जी के साथ एक मुस्त होकर नई सरकार बनाने के लिए फिर एक बार मोदी सरकार का नारा लेकर मोदी जी के साथ। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जहां सब लोग कहते हैं कि पीक था भारतीय जनता पार्टी का, 2-4-5 सीटें 10 सीटों से कम होगी, तो फिर कहां से भरपाई होगी इनकी? देखिए मैंने मेरे कार्यकर्ताओं को मेरे राष्ट्रीय अधिवेशन में कहा था और आज भी कह रहा हूं देश भर के कार्यकर्ताओं को कि भारतीय जनता पार्टी का पीक नहीं आया है। अभी बंगाल जीतना है, उड़ीसा जीतना है, केरल जीतना है, आंध्र प्रदेश जीतना है। जब तक भारतीय जनता पार्टी का विचार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन और चुनावी सफलता वहां नहीं पहुंचती, हमारा काम अधूरा है, पीक नहीं है, पीक आना बाकी है। जरा कलेजा मजबूत कर लीजिए, मेरा विपक्ष के नेताओं को कहना है कलेजा होगा, जीतने का अंतर होगा कच्चे पोचे हृदय वाले के दिल दहल जाएंगे इस प्रकार का। तो एक और ब्रेक के रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर कुछ और सवाल, कुछ और हिस्सा।
एक बार फिर स्वागत है आपकी अदालत में। चुनाव मंच पर मेरे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर आरोप है कि ये असली मुद्दों से भाग रहे हैं। अब सारे विरोधी दल के नेता कह रहे हैं कि सारा का सारा जो चुनाव है वो एयर स्ट्राइक पर होगा, सारा का सारा चुनाव स्पेस में मोदी जी की उपलब्धि पर होगा, असली मुद्दे वो गायब हो गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ों को रोजगार होगा, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। देखिए, मुझे लगता है, मैं कोई बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूं रजत जी, कि हमारे यहाँ ये 5 साल में जॉब क्रिएशन का प्रॉब्लम नहीं हुआ है, जॉब के डेटा के व्यवस्था का प्रॉब्लम है। आप मुझे बताइए, रोड बनाने की गति 2.25 गुना बढ़ेगी तो जॉब क्रिएट होगा या नहीं होगा? रेलवे बनाने की गति 2.5 गुना बढ़ेगी तो जॉब क्रिएट होगा या नहीं होगा? देश के 2.5 करोड़ लोगों के घर में बिजली लग जाएगी तो जॉब क्रिएट होगी या नहीं होगी? देश के अंदर मुद्रा बैंक के माध्यम से 13 करोड़ लोगों को लोन मिलेगा तो एक एक व्यक्ति को तो रोजगारी कम से कम मिलेगी, वो जिसको देगा वो अलग से, मगर इसको खुद को तो मिल ही गई। अगर देश के अंदर 8 करोड़ शौचालय बनते हैं तो रोजगारी निर्मित होगी या नहीं होगी? देश के अंदर बंदरों पर आवाजाही, मालों का इनकमिंग आउटगोइंग अगर बढ़ता है तो रोजगारी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? 7% की दर से, तेजी की दर से अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो रोजगारी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? रजित जी, ये लोग आंख मूंद कर बैठे हैं, उनको मालूम नहीं है नीचे क्या हो रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि देश में रोजगारी समस्या नहीं है, रोजगारी समस्या है, मगर इस समस्या को सबसे ज्यादा अगर किसी एक सरकार ने एड्रेस किया है तो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। काम को इस तरह से बढ़ाया है कि इसके आउटपुट में ही रोजगारी बढ़ी है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है रजत जी। 125 करोड़ के देश को आप नौकरी नहीं दे सकते, 125 करोड़ के देश को अगर नौकरी दोगे तो बचेगा क्या, किस पर ये काम करेंगे, ये संभव नहीं है। रोजगारी के नए एवेन्यूज, रोजगारी के नए तरीके इजाज करना और इसको बल देना, स्किल इंडिया के माध्यम से तजग्यता बढ़ाई है। आज वो बच्चे कहीं ड्रिप इरिगेशन के अंदर कोई प्लम्बर बन गया है, कोई इलेक्ट्रिशियन बन गया है, कोई मकान बनाने के काम में लगा है, वो बच्चे रोजगारी प्राप्त कर रहे हैं। और इन्होंने कभी स्किल डेवलपमेंट को मुद्दा नहीं बनाया, इन्होंने कभी डेवलपमेंट के माध्यम से रोजगारी की कल्पना ही नहीं करी। हमने जीडीपी को सिर्फ रूखा सूखा जीडीपी नहीं रखा है, सिर्फ उद्योग पर आधारित जीडीपी नहीं रखा है। जीडीपी बढ़ा है तो 8 करोड़ घरों में शौचालय बढ़ा है, उसका भी योगदान है। जीडीपी बढ़ा है तो 2.5 करोड़ घर बने, इसका भी योगदान है। जीडीपी बढ़ा है तो 2.5 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंची, इसका भी योगदान है। रजत जी, अलग प्रकार की व्यवस्था हो रही है। आज आप समझो कि 7 करोड़ गरीब और 5 करोड़ संपन्न लोगों के घर में 13 करोड़ नए गैस कनेक्शन दिए। पहले देश में 70 साल में कुल 13 करोड़ थे, हमने 5 साल में 13 करोड़ दिए। इसका ट्रांसपोर्टेशन, भंडारण, विपणन, इसकी व्यवस्था, इसको बनाने का, उसको पैकिंग का, उसको ड्राइवर को चलाने का, कहीं पर रोजगारी नहीं हुई, क्या बात कर रहे हैं, किस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं? देखिए, आरोप तो यह है कि चीन में 50,000 जॉब्स क्रिएट होते हैं, ये कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है, और भारत में सिर्फ 450 जॉब रोज क्रिएट होते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी का प्रॉब्लम ही यह है कि चीन को ही देखते रहते हैं। उनका ये प्रॉब्लम है, जब डोकलाम पर नरेंद्र मोदी चीन के सामने डट कर खड़े होते हैं, छिप छिप कर चीन के राजदूत के साथ मीटिंग करते हैं, और इस देश में कोई पत्रकार उनको नहीं पूछता है, आप देश के विदेश विभाग की सलाह के बगैर चीन के राजदूत से कैसे बात कर सकते, कोई नहीं पूछता जी उनको, क्योंकि वो एक बड़े परिवार से आते हैं। हमें कोई मलाल नहीं है, देश की जनता जरूर पूछेगी इस बार, देश की जनता इनका हिसाब किताब भी करेगी, सवाल भी करेगी। कोई इंडिपेंडेंट एजेंसीज भी हैं, जैसे सेंटर फॉर मॉनिटरी इकोनॉमिक्स CMI, इन्होंने कहा कि 2018 में इन्होंने सर्वे किया, 1 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई, गंवानी पड़ी उन्हें। देखिए,
कितनी जनरेट हुई वो भी साथ में रखनी पड़ेगी। कोई एक सेक्टर में कुछ होता है तो थोड़ी नौकरियां चली जाएगी तो सामने जनरेट होती है। मैंने कहा रजत जी आप ये बात समझ लीजिए, स्थायी नौकरी अस्थायी नौकरी, रोजगार और स्वरोजगार, ये दोनों अलग प्रकार की चीजें हैं और हमारे यहाँ अस्थायी नौकरी और स्वरोजगार को गिनने की व्यवस्था नहीं। कोई आदमी अपनी दूध बेचने की एक दुकान बना लेता है तो उसको रोजगार नहीं मानते। कोई हजाम अपनी छोटी सी दुकान खोल लेता है, कोई बिटिया अपना ब्यूटी पार्लर खोल लेती है तो उसको रोजगार नहीं मानते, नौकरी को ही रोजगार मानते। मुझे लगता है भारत जैसे बड़े देश के अंदर ये व्यवस्था ठीक नहीं। एक सवाल और भी उठाते हैं, ये सवाल ममता बनर्जी भी उठाती हैं, ये तेजस्वी यादव भी उठाते हैं, राहुल गांधी भी उठाते हैं, अखिलेश यादव भी उठाते हैं कि 15 लाख रुपए हमारे खातों में आ जाएंगे, ये वादा किया था बीजेपी ने, कुछ आया नहीं। रजत जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतने सारे लोगों को, 2.5 करोड़ लोगों को घर बांधा, वो 15 लाख से बड़ा है। उनके घर में बिजली पहुंचाई, शौचालय पहुंचाए, उसका टीका लगा दिया, 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं समाप्त कर दी। इसका इन टोटो करो तो 15 लाख से बड़ा होता है, मगर उनको ये हिसाब समझ में नहीं आया, जनता समझ गई है और इसीलिए घबराए हुए हैं। आप मुझे एक बात का सवाल दीजिए, जवाब दीजिए, मैं भी एक सवाल आज पूछ लेता हूँ आपकी अदालत में। आपको मुझे बताइए रजत जी, जो एक दूसरे का मुंह नहीं देखते थे इकट्ठा क्यों हुए, आप बता सकते हो? एक गठबंधन क्यों करे अगर इतना सारा हमारा फेलियर है तो? भैया लड़ लो, जो एक दूसरे की नमस्ते नहीं करते थे, नमस्ते लेते नहीं थे, वो सारे लोग चिपक चिपक कर मोदी 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 कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो भाई? कौन डरा हुआ है? आपका गठबंधन का मूल तत्व ही नरेंद्र मोदी से भय है और कोई तत्व इसमें नहीं है। ना सिद्धांत आपके समान है, ना नेता आप तय कर सकते हो, ना नीति तय कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। एक नीति तो है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं रजत, ये सारे लोग घूमते हैं गठबंधन 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 कर, देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देश जानना चाहता है ये देश किसको देंगे हम। क्रिकेट की टीम जब क्रिकेट खेलने जाती है तो ओपनिंग तो एक ही बैट्समैन करता है, 11 के 11 आ जाते हैं, कैप्टन एक ही होता है रजत जी, ऐसे कैसे देश चलेगा बताइए? अब गठबंधन गठबंधन करते हैं, ना कोई कार्यक्रम है, ना उसकी कोई घोषणा पत्र बना है, ना उनका नेता है, ना उनके कोई सिद्धांत है। देखिए कार्यक्रम तो है और घोषणा भी है कि नरेंद्र मोदी को हटाना है, सबको मिलकर हटाना है। तो ठीक है, इतना कह दे कि हमारा एक ही कार्यक्रम में मोदी हटाओ और इसी में हमारी सफलता है, तो कौन भयभीत है वो सबको मालूम पड़ता है। हम कहते हैं देश को आगे ले जाओ, हम कहते हैं गरीबी हटाओ, हम कहते हैं देश को टॉप 5 इकोनॉमी में लाओ, हम कहते हैं देश को सुरक्षित करो, हम कहते हैं देश को दुनिया में महासत्ता बनाओ, और वो कहते हैं मोदी हटाओ। देश की जनता के सामने बड़ा सरल चुनाव है जी, मोदी हटाने वाले चाहिए या देश को महान बनाने वाले चाहिए, ये भारत की जनता ने तय किया। अमित जी आपने सारे सवालों के बेबाकी से जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि आज आपके अदालत में कोई जज नहीं है इस खास कार्यक्रम में, तो यहाँ जो जनता बैठी है आप जज हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तालियां बजा के बताइए कितने लोगों को विश्वास है अमित शाह की बात? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके अदालत का ये खास तो ये खत्म करते हैं, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी आपकी अदालत में एक नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।